नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ये सभी जानते हैं। पर इस स्वर्ग को महसूस करना और महसूस करके लिखना, ये वही जान सकता है जो इस प्रक्रिया में रहता है, जो इसके कश्मीर के स्वर्ग होने के इस एहसास को महसूस कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अग्निशेखर की, जो कि एक जाने माने कवि, लेखक, एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अधिकतर अपनी रचनाएं कश्मीर पर, कश्मीर के विस्थापन पर, अधिकतर अपनी रचनाएं उसी पर लिखी हैं। और आज हमारे स्टूडियो में वही मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे, उनकी अब जो लेखक के रूप में उनका जीवन रहा है उसके विषय पर ही हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, व्यूज स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आभार आपका। सर, हम आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो मैं चाहूँगी कि हम शुरुआत ही आपकी एक कविता से करें। बहुत मौलिक ढंग से आप सोचते हो। सामान्य रूप से क्या होता है कि आप बातचीत करते हो, उसके बाद कवि को कहते हो सुनाओ, तो आप तो शुरुआत में ही चर्जा बेटा सूली पर राम बरा करेगा, तो चलो राम के सहारे में बोलता हूँ, आप एक कविता सुनाता हूँ। और चूंकि आपने कहा कि मेरी अधिकांश कविताएं जो है ना वो निर्वासन चेतना पर हैं, क्योंकि मैं एक निर्वासन का जीवन जी रहा हूं, और ये दुर्भाग्य इस देश का कि देश के नागरिक अपने ही देश में शरणार्थी जीवन जीने पर विवश किए गए, तो वो बात मेरी पूरी समूची साहित्य में है, जिस पे हम बात करेंगे। और ऐसा निर्वासित कवि जब अपनी चीज़ों को याद करता है या किसी और चीज़ को देखकर उसे अपनी चीज़ याद आती है, फिर वो तुलनात्मक भी हो जाता है। तो एस मेरी एक जो कविता सुनाऊंगा मैं, पहाड़ और पहाड़। जी, स्वागत है। ये आप मान लीजिए कि मैं अपने पहाड़ों को याद कर रहा हूँ जी, और उत्तराखंड के पहाड़ों को देख रहा हूँ जी, तो दो पहाड़ों को देखते हुए आपको कैसे क्या लगता है? बिल्कुल। और मैं संबोधित हूँ उत्तराखंड के पहाड़ों के एक कवि से जी, नाम बाद में बताऊंगा। तो कविता का शीर्षक है पहाड़ और पहाड़। तुम मुझे अपने पहाड़ों की थोड़ी सी शांति, धैर्य और दृष्टि दे दो। तुम मुझे अपने पहाड़ों की थोड़ी सी शांति, धैर्य और दृष्टि दे दो, मैं तुम्हें अपने पहाड़ों की स्मृति दूंगा। चीड़ों देवदारों के लोकगीत दूंगा, संगीत दूंगा। क्या बात है। देखना बद्री केदार की संन्यासिन हवाएं। वाह, हवाएं संन्यासिन, बद्री केदार ना की बात है। देखना बद्री केदार की संन्यासिन हवाएं गुनगुनाएंगी हब्बा खातून और रसूल मीर के गीत। क्या बात है। क्या देखना देखना बद्री केदार की संन्यासिन हवाएं गुनगुनाएंगी हब्बा खातून और रसूल मीर के गीत, तब शायद समझेगी दुनिया मेरे पहाड़ों का नमक क्यों मुझे संसार को मिथ्या नहीं मानने देता। वाह, पहाड़ों का नमक, क्या बात है। क्यों मेरे पहाड़ों का नमक मुझे संसार को मिथ्या नहीं मानने देता। वाह, बहुत खूबसूरत। यह हो सकता है निकोस कजांत जाकिस का महान नायक जोरबाद ग्रीक आपने पढ़ी होगी, ये महान कालज ही है तो उसके लेखक का नाम है, तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। ये हो सकता है कि निकोस कजांत जाकिस का महान नायक जोरबाद ग्रीक पूर्व जन्म में मेरे देश का ही कोई पहाड़ रहा हो, बिंदास और पंखों वाला। वाह, पंखों वाला पहाड़ रहा हो। क्या बात है। ओ कवि अलकनंदा के, ये कविता संबोधित है लीलाधर जगूड़ी के नाम है, ये वहां के बहुत, है ना। बहुत, बहुत। ओ कवि अलकनंदा के, मैं तुमसे मांगता हूं तुम्हारे पहाड़ों का आशीष। गुफाएं मेरे पहाड़ों की भरी हैं घृणा और हिंसा के अकूत खनिज से। पहाड़ों में खनिज होता है, हमारे यहाँ घृणा है, हथियार है जी। ओ कवि अलकनंदा के, मैं तुमसे मांगता हूं तुम्हारे पहाड़ों का आशीष।
गुफाएं मेरे पहाड़ों की भरी हैं घृणा और हिंसा के अकूत खनिज से, मेरे पहाड़ हैं उदास और लहूलुहान, जलावतन हैं नदियां, कुछ सूख रही वहीं की वहीं, अरण्य कर रहे रोधन। तुम्हारे पहाड़, तुम्हारे पहाड़ कैसे बने रह सकते हैं समाधिस्थ और निर्लिप्त? तुम्हारे पहाड़ कैसे रह सकते हैं समाधिस्थ और निर्लिप्त? मुझे अपने पहाड़ों का रत्ती भर मौन दे दो। वाह, मुझे अपने पहाड़ों का रत्ती भर मौन दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक लेखक होने के नाते मैं आपसे चर्चा करूंगी कि आपने निर्वासन को ही अपनी रचनाओं का, अपनी जो आपका जितना लेखन है उसका केंद्र क्यों बनाया? ये प्रश्न अगर आप ऐसे पूछते कि कैसे बना, उसी में छिपा है क्यों भी, और ये क्यों बहुत कठिन है कि एक रात आप कश्मीर में थे, अपने घर में थे जी। जो मेरे मित्र, मान लीजिए जम्मू से किसी एक साहित्यिक मित्र का नाम लीजिए जो हमारे मित्र नहीं है या जो कश्मीर नहीं आए, जिनके यहाँ मैं नहीं आया हूँ। एक रात आप अपने घर में होते हैं, हमारा छोटा मोटा घर था, 3 मंजिला था और 3 मंजिल की ऊपर मेरा कमरा था, किताबों से भरा, मेरा और मेरी धर्मपत्नी का जो लेखिका है क्षमा जी, किताबों से अटा पटा था। और दूसरे दिन आप होते हैं जम्मू की सड़कों पर, आप गीता भवन में होते हैं, आप अपने को पाते हैं मुट्ठी के टेंट में, आप अपने को पाते हैं गुरुद्वारे में, आप अपने को पाते हैं सड़कों पर या किराए के मकानों पर, या जुलूस निकालते हुए, या पागल होते हुए, या आप हताश हो, ये हुआ क्या जी? यानी आपका खाली मकान नहीं छिना, आपका समूचा वजूद जो है, अस्तित्व है, वो आपसे अलग कर दिया गया, आपका इतिहास छीना गया, लूटा गया जी। आपकी भूगोल भूमि लूटी गई। ऐसे में आप क्या फिल्मी गाने लिखेंगे? आप जावेद अख्तर और इन लोगों के फिल्मी गाने लिखेंगे क्या? मैं जावेद अख्तर का सम्मान से नाम लेता हूँ, इसलिए नहीं, मैं मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ। हम क्या गजलें लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे, ये वादी है, कश्मीर है, जन्नत का नजारा कहाँ है नजारा? दर्द, आपने अपना दर्द, दर्द आप उखाड़ दिए गए हैं, और उखड़ा हुआ पेड़ जो जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया जाए वो क्या कहेगा? वो रोएगा, यार अपनी मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, और मैं दोष क्या है? ये तो इसका भावनात्मक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जब आप अस्तित्व की के लिए संघर्ष करने लगे, उसके बाद आप जब अस्मिता की बात करते हैं तो उस अस्मिता में स्मृति है आपकी, और वो आपके, आपका इतिहास है, आपका साहित्य है, आपके पूर्वज हैं, आपके पुरखे हैं, आपका भविष्य है, आपकी भाषा है, इस सब से आप कट गए जी। तो सारी चेतना आपकी झिझुड़ जाएगी, झिझोड़ देगी ये घटना आपको, आपकी चिंताओं में रात दिन। अब मैं आपसे एक ऐसे कहता हूँ, एक बार मैं पद्मा सचदेव जी के घर गया वहाँ दिल्ली में, और वहाँ सरदार जी थे उनके पतिदेव, तो किसी बहाने वो कहीं थी, तो उनसे मैं बात, ये अपनी बात रहने के लिए कहा कि अग्निशेखर, इस पद्मा से ज़्यादा मैं तेरा दर्द समझता हूँ, ये नहीं समझेंगी, जबकि ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, वो संवेदनशील लेखिका हैं, लेकिन उनने कहा, सरदार जी ने कहा कि इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, ये बात है 1993 की जी। और कहा कि आज तक लाहौर की गलियों के ही सपने में देखता हूँ, मैंने कभी दिल्ली नहीं देखी सपने में, वहाँ से देखिए जब उखड़ना क्या होता है। आज तक 30 साल हुए जी। 30 साल में हम सपने कश्मीर के ही देखते हैं, गांव के देखते हैं, मित्रों के देखते हैं, नदियों के देखते हैं, यानी आपके डीएनए में है। बिल्कुल, जो जन्मभूमि का मोह है वो कभी भी नहीं छूटता, संबंध है, जो संबंध वो संबंध ही उसकी पीड़ाएं और कई कई आयामों में आपके साहित्य में आएंगी। अगर आप चित्रकार होते तो पेंटिंग्स में आएगी, आप निर्देशक हो, यहाँ तक कि संगीत में। तो हम यहीं से मान लेते हैं कि जो आपके लेखन की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई या इसके पीछे से? जी नहीं, जी नहीं, मेरा 70 के दशक में हमने लिखना शुरू किया, और कॉलेज के ज़माने में ही लिखना शुरू किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन यूनिवर्सिटी तक आते आते हम फिर गंभीर हो गए थे, और हम 3-4 लोग थे, 5 लोग एक साथ, एक पीढ़ी आई थी जिसमें मैं था,
क्षमा कौल थी, संजना कौल थी, महाराष्ट्र संतोषी, महाराष्ट्र शाह, उपेंद्र, ये एक पीढ़ी एकदम आ गई थी और हम लोग एकदम सचेत साहित्यकार थे और जागरूक थे, चीज़ों को समझते थे और नई तरह से बात कहना कर रहे थे। तो लेखन हमारा वहाँ शुरू होता। फिर शिराजा का की भूमिका है, उन दिनों रमेश मेहता जी उसका संपादन कर, बहुत कुशल संपादक के रूप में जाने जाते हैं। तो फिर हम दिल्ली वगैरह, ये तो हमारा तो वहाँ से चालू, यानी आप अगर मानेंगे 75-76 से अगर हमने शुरू लिखना किया तो 90 तक हम वहाँ लिखते थे। अब आप ये सवाल पूछ सकती हैं तब क्या लिख रहे थे और जो 90 के बाद इधर निर्वासन में लिखा, क्या ये जो निर्वासन हुआ उसकी कोई भनक पहले से थी? थी। और उस वो जो भनक थी वो हमसे अग्रज जो हमारे कवि थे बड़े, हमसे पूर्वज हमारे अग्रज कवि, उनकी कहानियों में, उनके नाटकों में, उनकी कथाओं में, उनकी कविताओं में थी। उसको बोलते हैं पूर्वाभास। वो पूर्वाभास का साहित्य है वहाँ, लगता था कि कुछ होने जा रहा है, जिसको पंजाबी में सूंग बोलते हैं। सूंग होती है कि कुछ होने जा रहा है, अनहोनी कुछ होने जा रही है। अंग्रेजी वाले उसको प्री मोनिटरी लिटरेचर कहते हैं, प्रीमोनिशन आता है, नेगेटिव इंट्यूशन आपको आता है। उस प्रीमोनिशन, उस पूर्वाभास की कविताएं थी और वो मेरी पीढ़ी में सबसे ज़्यादा मुझ में थी, मेरी कविताओं में। मुझे ये संकोच नहीं है कहने का, लोग मानते भी हैं, मेरी कविताओं में थी। और पूर्वजों में जो हमारे बड़े थे उनमें मोहन निराश में बहुत ज़बरदस्त था, शेखर तोशखानी की कविताओं में ज़बरदस्त था। मोहन निराश ने तो यहाँ तक कहा था, स्वर्ग में रहकर हम स्वर्गवासी हो गए, बात बासी हो गई हर रात, बंद करो बाहर के द्वार, भीतर का मौसम है सर फिरा। और खुलकम देख रहे थे, कहानियों में था हरिकृष्ण कौल की और मेरी पहाड़ियों में बिल्कुल। हम फिर अब निर्वासन पे आए। जी जी। जब अब निर्वासन में आए, अब आप क्या, जैसे मैंने कहा बहुत शायद गलत शब्दों में मैंने ये कहा कि हम फिल्मी गाने लिखते क्या, हमने जो लिखा वो निर्वासन की चेतना से प्रेरित, हमारे छोटे छोटे दुख, हमारी बड़ी त्रासदियाँ, हमारी अपेक्षाएं, हमारा मोहभंग होना, विश्वास टूटना और हमारा लोगों के प्रति आभार भी। हमारी कविताओं में जम्मू देखो आप, ये किसी ने नहीं देखा इसे, इन निर्वासित कश्मीरी पंडितों की कविताओं में जम्मू कैसे आया है देखो क्या। हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक जो आपकी कोई अपनी पसंदीदा कविता, पसंदीदा मेरी सारी कविताएं बिल्कुल। अब देखो देखो, मेरे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर थे, उनके कैसे जुड़ाव होता है अपनी मातृभूमि से। वो बड़े अच्छे तैराक थे कश्मीर में, शिक्षक भी थे, शिक्षा शास्त्री थे, हर एक पारंपरिक दृष्टि से पले हुए व्यक्ति की एक अंतिम आकांक्षा होती है कि वो अपने अपनों के बीच ही देह त्याग करे और फिर उसका जो अस्थि विसर्जन है वो अपनी नदी में हो। मेरे पिताजी का निधन यहाँ जम्मू आकर हुआ, उनका दाह संस्कार गांधीनगर के उस शमशान में हुआ, लेकिन उनकी अस्थियाँ हम उधर ले गए उत्तरवाहिनी। इच्छा उनकी भी थी कि वहाँ ले जाने की, लेकिन वो संभव नहीं था। अब मेरे एक दोस्त हैं, उनके पिता की इच्छा थी कि मेरी अस्थियों का वहाँ करना। वो मुंबई से आए जान जोखिम में डालकर, कुछ भी हो मेरा मैं पिता की अस्थियाँ लेकर कश्मीर जाऊँगा। उस घटना से मैं इतना हिल गया कि उस पर एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है अमिता, अस्थियों का युद्ध। अस्थियां युद्ध लड़ी, क्या बात। अस्थियों का किसी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच, विसर्जित होना भी एक छोटा सा युद्ध जीतने जैसा है। अस्थियों का किसी भी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच, विसर्जित होना भी एक छोटा सा युद्ध जीतने जैसा है। यह मैंने बारूदी दिनों में चोरी से अपनी मातृभूमि जाकर एक दिन जाना, अस्थियां भी लड़ती हैं युद्ध। तो ये आप अब कल्पना कर सकते हो, जो विस्थापन है ये किस किस लेवल पे बात करता है, कहां कहां से जुड़ा रहता है। कुछ रचनाएं होती है जिनसे हम सुनकर भावुक हो जाते हैं, तो ये भावुक करने वाली आपकी ये रचना थी। भाव प्रवणता है लेकिन विचार करने वाले को मजबूर करती है। बिल्कुल सर, आपका एक लेखक होने के नाते देश विदेशों में आना जाना होता है,
तो अब तक अब जब आप यहाँ से विदेशों में जाते हैं या एक अलग स्टेट में भी जाते हैं तो लोगों का कैसा एक रुझान होता है आपके प्रति, और इसके साथ ही अगर कोई यादगार किस्सा हो तो वो हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा कीजिए। देखिए मैं जब 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 जम्मू आए तो जम्मू की धरती पर पांव टिकाने के बाद जब हमने एक सब साथियों ने मिलकर के, जिसमें आम नागरिक है गांव का शहर का, कोई पढ़ा कोई ना पढ़ा कोई कम पढ़ा, कलाकार साहित्यकार संस्कृति कर्मी जिनको हम कहते हैं, म्यूजिशियन, सारे मिल करके ये जो हमने एक आंदोलन शुरू किया पानून कश्मीर जिसके कहते हैं, उसको उसके चलते एक मजबूरियां बनी कि उस विचार को लेके आप अपनी बात को रखने के लिए आपको बाहर जाना है। चूंकि आप एक खाली आप एक्टिविस्ट ही नहीं हैं, आप एक ये नहीं है कि आप साथ में साहित्यकार भी हैं, तो जहां जाएंगे आपका साहित्य भी साथ जाएगा, साहित्य भी साथ जाएगा और साहित्य जाएगा, और एक साहित्यकार की भूमिका ऐसी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए वो शायद हम निभा रहे हैं कि आपकी भूमिका इतने, आप एक नागरिक भी होते हैं ना, आप कभी भी हैं नागरिक भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी हैं आप नागरिकता के कर्तव्य से नहीं बच सकते, और कवि हैं तो आप कवि और नागरिकता में द्वंद नहीं होना चाहिए, यानी आप जो कहते हैं जीते हैं उसमें नहीं होना, फांक नहीं होनी चाहिए। इसलिए शब्द और कर्म में एक करके मैं काफ़ी घूमा हूँ, देश का कोई कोना नहीं है जहाँ हम नहीं गए, जहाँ हमने बात नहीं रखी, और अधिकांश जगहों पर अग्निशेखर को पहले से ही एक कवि के रूप में मान्यता थी, जानते थे, तो जाहिर है कि एक इंटरेक्शन का लेवल इस लेवल पे ही होता है, आप क्या लिख रहे हैं, आज के लिख भी पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये एक। इसी तरह देश से अलग दूर बाहर विदेशों में भी मेरा जाना हुआ, अमेरिका में 2 बार गया, लंदन गया, और लंदन में आपको शायद खुशी होगी कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स की एनेक्सी में मेरा भाषण हुआ है, और भाषण हुआ है उससे पहले हमने मार्गरेट थैचर को देखा, मैं घबरा गया यार, क्या बॉय ये ऐसे ऐसी हस्तियां हैं, मैं क्या करूं, एक कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का एक अदनासा क्रांतिकार कहां पहुंचा, ये आपका एक यादगार लम्हा रहा। हाँ, लेकिन इसके बाद हम पेरिस गया हूं मैं, और पेरिस में एफिल टावर आप जानते हैं, और बहुत हल्के फुल्के मैं अपने मित्रों से आपसे कहूँगा, ये एफिल टावर मैंने यहाँ फिल्मों में देखा था, एक शर्मिला टैगोर और शमी कपूर की फिल्म होती थी एन इवनिंग इन पेरिस, उसमें एक गाना होता था कि अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको बतलाता हूँ पेरिस की रंगी, एन इवनिंग इन पेरिस, उसमें ये एफिल टावर हमने देखा था। अब अग्निशेखर पहुंच रहा है एफिल टावर, अब मैं एफिल टावर देखूं या शमी कपूर को याद करूं, मैं शमी कपूर को याद करूं या शर्मिला टैगोर को याद करूं, तो वहां का एक अनुभव है, उसके सामने एक पार्क है, और वो शायद मैं आपको एक कविता के माध्यम से मैंने लिखा है एफिल टावर, सुने सुना पहुँचाएंगे आप एफिल टावर, अरे वो क्या बात है, मैं खुश था एफिल टावर देख रहा हूँ, अरे क्या बात है, ये कविता मैंने लिखी है उस घटना को लेकर के, और वहीं के वहीं उसी रात में एफिल टावर के पास प्रदर्शन, एफिल टावर के सामने पास से गुजरते लोग, कुछ रुककर पढ़ते हमारे पोस्टर, हम शालीनता के साथ बांटते अपने दुख और घाव, जिनोसाइड की गाथाएं देखते हैं, देखती हैं हमें पेरिस की जिज्ञासाएं, तो कौन लोग हैं क्या कर रहे हैं ये पोस्टर वोस्टर लेके क्या, देखती हैं हमें पेरिस की जिज्ञासाएं, कुछ आशंकाएं एक साथ, वे पसंद नहीं करते हमारा अंग्रेजी में बोलना, लेकिन समझते हैं हमारी बेबसी, मेरा साथी अंग्रेजी लेखक कमल हाक समझा रहा कुछ पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को व्यथा जलावतनी की, बांट रहा युवराज रैना पैम्फलेट, जिस तिस को और प्रोफेसर नीरजा तिक्कू, ये वास्तव में हमारे साथ है, और प्रोफेसर नीरजा तिक्कू कर रही पेरिस की महिलाओं से संवाद, मेरी आंखें लोगों में ढूंढ रही चित्रकार सैयद हैदर रजा को, सैयद हैदर रजा बहुत बड़े चित्रकार थे पेरिस में अक्सर रहे हैं, जो वाकिफ थे मेरे कश्मीर जीवन से, मेरे साथी जब समझा रहे थे हमारे अस्तित्व का सवाल, मैं कल्पना कर रहा था काश
जॉन पॉल सार्त्रे कहीं से आए और खड़े हों यहाँ हमारे साथ। एफिल टॉवर की सजी पार्क में पूछा एक बालक ने अपने पिता से, पुलिस ने क्यों नहीं बचाया इनको? वे ताजुब है कहकर बड़े आगे, ताजुब है पुलिस ने इनको नहीं बचाया। वे ताजुब है कहकर बड़े आगे, देखता रहा मैं उस भोले बच्चे को दूर तक। किससे कहूं कि हम इस ताज्जुब की कितनी व्याख्याएं करते आए हैं हेग और हॉलैंड में, इस ताज्जुब की कितनी व्याख्याएं करके आए थे हेग और हॉलैंड में, अमेरिका के व्हाइट हाउस से सटे, अभी मैंने ये संदर्भ दिए, अमेरिका के व्हाइट हाउस से सटे कैनन हाउस और न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में हुए हैं मेरे भाषण, लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की एनेक्सी में मैंने बेपर्दा किया, लंदन की हाउस ऑफ कॉमन्स की एनेक्सी में मैंने बेपर्दा किया नकाब पोशों को, मैंने किया है न्यूयॉर्क में राष्ट्र संघ के बाहर दिन भर प्रदर्शन, यूएनओ के सामने मैंने प्रदर्शन किया है। वाह, मैं सोचता रहा उस बच्चे के बारे में। ये आपने कहा ना कि कहाँ कहाँ गए संस्मरण, तो इतने बड़े बड़े आपने हैं। उसको पूरा एक कविता में पिरो दिया अपना संस्मरण। तो सर अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मुझे लगता है कि 6 संग्रह तो मेरे ठीक ठीक हैं, और पहला नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी समय है, फिर मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, फिर काल वृक्ष की छाया में, फिर मेरी प्रिय कविताएं हैं, फिर जवाहर टनल बहुत चर्चित रहा वो, जो मेरी पसंदीदा कविता रही है, और आप जानते हैं उस पर हमारी तत्कालीन राज्य अकादमी ने 50,000 का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, जो मैंने नहीं लिया, इनकार किया लेने से, क्योंकि उसके मुझे लेना था वो उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के हाथों से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का से जुड़ा था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अग्निशेखर जैसे लोग, लाखों लोग जो हम निर्वासित और जिम्मेदार मानते हैं उनकी पार्टी को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, इसलिए मैंने कहा लेखकीय स्वाभिमान है, मैं 50,000 के लिए हाथ फैलाऊं, तुम्हारे आपसे मैं ले लूं, मैं नहीं लेता हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को नकार किया। तो जवाहर टनल, और जवाहर टनल के बाद मेरा आया मेरी प्रिय कविताएं, ये संग्रह संकलन है, और उसके बाद मेरा ये आया जलता हुआ पुल। तो ये जलता हुआ पुल लोगों के सामने मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये आपके लिए, धन्यवाद, ठीक है ना। तो इसके अलावा मेरा फोक पर काफ़ी काम है, लोक साहित्य पे, तो लोक में मैंने एक लोक देवता की कहानी लिखी है मिथक नंदीकेश्वर के नाम से। वो लोक में एक देवता कैसे कैसे हम देखते हैं, क्या क्या होता है उसका एक, फिर मैंने कश्मीर से केंद्रित 3-4 भाषाओं में कहानियाँ जो लिखी गई हैं उनको संकलित किया मैंने, मेरी नहीं, उसमें मेरी भी एक है, जैसे हिंदी में 4-5 कहानियाँ, उसमें रतनलाल शांत हैं, हरकृष्ण कौल हैं, ये सारे लोग हैं, उसमें संतोषी हैं, उसमें क्षमा हैं, उसमें उषा व्यास हैं यहाँ की, उसमें वेदराही जी हैं, उसमें ये लोग जो जम्मू के भी हमारे मित्र हैं, उसमें फिर मैंने पंजाबी की कहानियाँ ली, डोगरी से ली जो उनके अनुवाद हैं, तो 21 कहानियों का उसका नाम है दोजख। तो इस तरह 5-8-10 कहानियाँ किताबें हैं मेरे पास। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितनी किताबें हो, कुछ नहीं होता, जैसे आप कितने बड़े हैं आयु से, आयु कितनी भी बड़ी हो वो ज़रूरी नहीं है, आप कैसे जिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कितनी किताबें हैं, किसी के पास एक ही, चंद्रधर शर्मा गुले के पास 3 कहानियाँ थी, वो अमर हो गए, तो हम कहेंगे मेरे पास 30 किताबें, उसे क्या फर्क पड़ेगा। आपके साथ बातें कर रहे हैं और जो कविताएं जो आपकी हैं, बहुत मन कर रहा है कि और भी सुनी जाए, लेकिन जो ये समय है ना, ये इजाजत नहीं दे रहा, समय बड़ा बलवान, और क्या करें, और कवि समय से ही के खिलाफ खड़ा होता है, समय और तेवर के जो समय का तेवर होता है उसमें हस्तक्षेप करता है, उसमें संदेह करता है, सवाल करता है, क्योंकि आंद्रेई वोज़नेसेंस्की रूस के महान कवि थे, मेरे प्रिय कवियों में, वो कहते हैं कवि ही प्रश्न है, प्रश्न ही कवि है, तो जब तक आप कवि हैं आप प्रश्न करते रहेंगे, और इसलिए प्रश्नाकुल होना कविता का, ये तो आज बहुत अच्छा लगा।